it. Kangana and Hrithik are face to face after their showdown jab Kangana ne khol diye the shaadishuda Hrithik ke saath apne relationship ke pool. Kya bindaas hai na, chahe unka lover ho married ya fir single. Kangana will say it like it is. रिसेंटली एक हाई प्रोफाइल वेडिंग पर कंगना अचानक ऋतिक रोशन से टकराई, बट शी कूलली लुक्ड थ्रू हिम. कंगना डज नॉट बिलीव इन प्लेइंग द विक्टिम. कंगना ने कन्फेस किया है कि शी इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम द अब्यूज एट द हैंड्स ऑफ अ बॉलीवुड एक्टर हु शी वाज रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड विद. कंगना बॉलीवुड में जेंटलमैन ढूंढ रही है. जस्ट कट इट. ने भी मैरिड हीरोज कंगना के साथ आज तक इन्वॉल्व हुए हैं ना, वैसे मैरिड क्यों सिंगल भी, वो यही सोचते होंगे कि टू बैड कंगना के रिमोट पर म्यूट की ऑप्शन है ही नहीं. बट दैट्स व्हाई वी लव कंगना अ बिट मोर देन वी लव अदर गर्ल्स. वो तो कुछ भी करती हैं, इवेंचुअली बता ही देती हैं. तो कंगना के जो प्रोस्पेक्टिव यानी के फ्यूचर में आने वाले मैरिड बॉयफ्रेंड्स हैं, डोंट से यू वांट वॉन्ड, यू वर वॉन्ड राइट हियर ऑन कट इट विद मी सिमी चंदोक. कंगना तो रोमांटिकली कई स्टार्स के साथ इन्वॉल्व थी, फ्रॉम द वेरी सीनियर आदित्य पंचोली टू द वेरी जूनियर स्ट्रगलर अध्ययन सुमन. कंगना वाज अलेजेडली लिंक्ड विद अजय देवगन एंड रिसेंटली ऋतिक रोशन. तो कौन है वो बॉलीवुड पर्सनालिटी जिसने कंगना को अब्यूज किया? अकॉर्डिंग टू कंगना, इस बॉलीवुड पर्सनालिटी के अब्यूज से कंगना ट्रॉमाटाइज तो हुई बट डिसाइडेड टू फाइट बैक. उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर उस अब्यूजिव स्टार के खिलाफ FIR भी दर्ज किया. और तब से आज तक कंगना ने डिसाइड किया है कि वो किसी भी रिलेशनशिप में किसी को भी अपर हैंड नहीं देंगी. ये कोई नई बात नहीं है. आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मैंने कंगना के साथ बहुत साल पहले जूम के फ्लोर पर एक इंटरव्यू किया था, सो शी वाज वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड अबाउट इट. बट टू मी आई स्टिल रिमेम्बर शी हैड स्पोकन अबाउट दिस फिजिकली अब्यूजिव एक्टर दैट शी वाज इन्वॉल्व विद एंड शी सेड लिसन यू नो व्हाट आई डोंट वांट एनी मोर ट्रबल विद हिम सो डोंट टॉक अबाउट इट. जब ऋतिक रोशन ने उनके साथ लिंकअप स्टोरीज को डिनाई किया, तब कंगना ने ऋतिक को इस डबल स्टैंडर्ड एटीट्यूड के लिए तुरंत अटैक किया एंड आस्क्ड हिम टू स्टॉप स्पाइंग ऑन हर. प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे जो शादीशुदा बॉलीवुड के हीरोज हैं, वो मेंटेन तो ऐसे करते हैं हैप्पीली मैरिड फेथफुल मैन इमेज, बट फिर कंगना जैसे लोग आके पोल खोल ही देते हैं. प्रॉब्लम विद मैरिड हीरोज, वो पब्लिक में अच्छी प्रोफाइल रखते हैं और रियल लाइफ में काफी नॉटी प्रोफाइल होती है. अध्ययन सुमन के साथ जब कंगना इन्वॉल्व थी, तब अध्ययन के डैड शेखर सुमन ने रिलेशनशिप पर जैसे ही कमेंट किया, कंगना ने सक्सेसफुल बनकर उन्हें साइलेंट कर दिया. अजय देवगन के साथ कंगना की केमिस्ट्री इंटेंस होने लगी, तब अजय देवगन ने अपने मैरिज को बचाने के लिए कंगना से रिश्ता तोड़ दिया. तब कंगना ने कहा कि गेटिंग इन्वॉल्व्ड विद अ मैरिड मैन वाज अ मिस्टेक. लेकिन कंगना ने अपनी हर मिस्टेक से सीखा है, फ्रॉम स्पीकिंग इन ब्रोकन इंग्लिश टू आर्टिकुलेटिंग हर थॉट्स क्लियरली, फ्रॉम बीइंग अ स्मॉल टाउन गर्ल टू अ डीवा इन बॉलीवुड, फ्रॉम बीइंग द वर्स्ट ड्रेसर टू अ फैशन आइकॉन. कंगना इज अ टेल ऑफ सुपर सर्वाइवल. हमारे पास अब भी वो इंटरव्यू है, यहाँ तक कि आई हैड आस्क्ड एट दैट टाइम कि जिया खान ये कहती हैं कि यू आर वेरी बैडली ड्रेस्ड एंड दैट शी हैज अ बेटर ड्रेस सेंस देन यू. रिसेंटली मैंने जिया खान की एक इंटरव्यू पढ़ी एंड आपका और उनका काफ़ी कंपैरिजन किया जाता है. एंड जिया खान ने कहा है कि वो तो लंदन से हैं और वो लंदन में शॉपिंग करती हैं और आप किसी छोटे से शहर से हैं, तो इसलिए आपका और उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सी, यू मस्ट फेस द ट्रुथ, यू नो. Like one thing Hrithik told me is very, very beautiful. He's like, must face the truth. And if you're being honest and facing the truth, there's nothing you'll feel bad about. So that is true. I am from a small town and I am from a village, you know, so there is nothing wrong about that. So that's the truth. But you know, there is one thing that's not true. I think you're a very well-dressed girl and you absolutely stand out. So now she should face the truth. It's absolutely beautiful. कंगना बहुत ही चिल थी एंड कंगना ने कहा ऑफ कोर्स आई एम अ स्मॉल टाउन गर्ल, वो तो लंदन की है तो उनका ड्रेस सेंस होगा ही ना मेरे से बेटर.